हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में देखे थे बाइनोमियल पढ़ रहे थे, तो बाइनोमियल में हम लोगों ने अभी तक सिर्फ दो टर्म को एक्सपेंड करने मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। लेकिन हार्डली अगर आपको इलेवन क्लास में मिलेगा तो जनरली दो तीन टर्म तक ही मिलेगा, तीन टर्म से ज्यादा नहीं मिल सकता है तीन टर्म को बाइनोमियल में एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक को समझना कि ठीक नहीं यहाँ पे क्या यूज होगा, और बहुत ही आसान है, पावर तो चार दिया हुआ, लेकिन ये तो बाइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल में सिर्फ हम लोग दो टर्म को ही एक्सपेंड करते हैं, कितना टर्म को, दो टर्म को एक्सपेंड करते हैं, बट यहाँ पर तीन टर्म है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना यहाँ पे, इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट हम y बराबर मान लेते हैं 1 प्लस x का स्क्वायर, सब कुछ हम लोगों ने मान लिया कि x प्लस x और x प्लस x का जो स्क्वायर उसको हमने क्या सपोज कर लिया y, तो जो मेरा एक्सपेंशन बना वो 1 प्लस y का पावर 4 बन गया, ये नहीं बना, ध्यान से देखिए, मान लो सपोज यहां पे ये पार्ट जो है यहां से यहां तक को हमने y कह दिया तो 1 प्लस y हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या हो जाएगा, कैसे एक्सपेंड होगा, 4 से 0 1 का पावर 4 माइनस कितना 4 माइनस 0 और y का पावर 0 प्लस 4 से 1 4 से 1 और 1 का पावर 4 माइनस 1 y का पावर 1 प्लस 4 से 2 ध्यान देंगे और 1 का पावर 4 माइनस 2 y का पावर 2 प्लस का 4 से 3 1 का पावर 4 माइनस 3 y का पावर 3 एंड लास्ट 4 से 4। आपको पता है कि जहां ये दोनों सेम हो जाएगा वहां तक हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, 1 का पावर 4 माइनस 4 और y का पावर, ये बात समझ में आया, ये एक्सपेंशन सेम हो, जो बाद में एक्सपेंशन आपको पता है उसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए 4 से 0 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 y का पावर 0 का वैल्यू 1 तो ये 4 से 0 हो जाएगा, ये 4 से 1 y नहीं 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो नहीं आएगा ना, और प्लस 4 से 2 y स्क्वायर प्लस 4 से 3 y का पावर 3 और प्लस 4 से 4 y का पावर 4, इतना समझ में आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पास्कल ट्रायंगल बना लेते हैं, पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे हम लोग तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग इसको, 4 से 0 को सॉल्व कर लेंगे किस फार्मूला से, देखिए ध्यान दीजिए, आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं 4 से 0 n से r वाला बन लोगे तो n बटा फैक्टोरियल r बटा n माइनस इनटू दिस टर्म के लोगे, इस पर बताइए फिर एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हमें पास्कल ट्रायंगल मुझे आता है, नहीं अगर मैं पास्कल ट्रायंगल को जानता हूं तो इस जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कैसे, देखिए पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं हम लोग, मान लो सब पास्कल ट्रायंगल जो बनाने का तरीका कैसा, पहले हमें खुद से अपना रूप में लिखते हैं, अपने से अपना ये लिखने का पास्कल ट्रायंगल बनाने का तरीका यही है, समझा, उसके बाद फिर से यहां पर इन दोनों को ऐड करो, उसके बीच में लिखो फिर से 1 और 1 जितना 1 है वो खुद से लगा हुआ है, 1 प्लस 2 3 1 प्लस 2 3 1 1 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6 और ये कितना बनेगा भाई, ये कितना बन जाएगा आपका, ये कितना बन जाएगा 4 1 होगा क्या, नहीं ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ये 4 के लिए नहीं, और आपको पता है हमारे बराबर 4 के लिए, इसका मतलब 4 से 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नंबर, ये जो नंबर होगा वो आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रहेगा, कौन सा, एक 4 से 1 नहीं 1 प्लस 4y और प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर और प्लस का कितना होगा भाई, इसका इसका भी हो जाएगा कितना 6, इसका भी कितना दिया होगा नहीं 4, कितना दिया होगा इसका 4y क्यूब और प्लस का y क्यूब, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस x का स्क्वायर होगा 6 इंटू x प्लस x का स्क्वायर, सिर्फ सॉल्व कर देना 4 इंटू x प्लस x स्क्वायर का क्यूब और प्लस x प्लस x स्क्वायर का पावर 4, ऐसा हो जाएगा नहीं, अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 6 इंटू x का स्क्वायर प्लस इसका a प्लस b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर x करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 दो पहले से प्लस 2x इंटू x का स्क्वायर प्लस का 4, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, b के स्क्वायर कितना है, खुद x स्क्वायर है और b
स्क्वायर 3a a के जगह पर कितना बच्चों a के जगह पर x है और b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर b के जगह पर x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर कितना x का पावर 4 प्लस b क्यूब का मतलब x का पावर 2 इसका करेंगे हम लोग क्यूब तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा ना इसको मैं क्या लिखूंगा x का पावर 6 ऐसा हो जाएगा प्लस ये a प्लस b का होल पावर है a plus b का होल पावर हम निकाले जाएंगे देखिए यहां पे a plus b का होल पावर कैसे बनेगा देखिए ध्यान दीजिएगा a plus b का होल पावर कैसे बनता है 4c 0 a स्क्वायर 4 a का पावर 4 और b का पावर कितना हो जाएगा 0 plus 4c 1 a का पावर 3 b का पावर 1 plus 4c 2 a स्क्वायर और b का स्क्वायर और plus 4c 3 a into b का क्यूब plus 4c 4 b 4 ऐसा होगा तो वैल्यू कितना लगा इसका वैल्यू कितना लगा a 4 plus 6 a square b a cube b और plus 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 कितना हो जाएगा 4 sorry यहाँ पे 4 आएगा और ये हो जाएगा 6 a cube ये तो इसका वैल्यू 6 a square plus 4 a b cube और plus का b 4 ऐसा होगा कि इसका हो जाएगा a plus b का पावर और देखिए यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर 4 तो आप यहां पे इसको बताइए a4 का मतलब x का पावर होगा क्या मतलब a4 और 4a के 4 तो फार्मूला में होता है a क्यूब मतलब a का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब क्यूब हो जाएगा और b का क्या है वहां पे b का पावर कितना है b का पावर 2 प्लस ध्यान दीजिए प्लस सेकंड 6a² a का स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर एक का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर कितना मिलने वाला है x का स्क्वायर हो जाएगा समझ में आता है into b स्क्वायर कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए b स्क्वायर मींस कितना हो जाएगा x का इसका b स्क्वायर देखिए वहां पे 6 a + b का होल पावर ऐसे ही होता है ना तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए वहां पे या फिर इसको हम दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट ऐसा नहीं हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं 6 a स्क्वायर b तो कितना हो जाएगा 6 a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब b x b का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर तो x का पावर 4 प्लस मान लीजिए क्या है 4ab 4a a के जगह x है और b का क्यूब है ना b का क्यूब है तो b का क्यूब का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर का क्यूब इसका मतलब x का पावर 6 होगा और प्लस क्या हो जाएगा b का पावर 4 b का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा x स्क्वायर का पावर 4 x स्क्वायर का पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा x का पावर 8 x का पावर 8 बात समझ में आ रहा है अब हम लोगों को क्या करना है यहां के बाद देखिए और ये जो है आपका वो मुझे सॉल्व करके लिख देना डायरेक्ट कि हम लोग क्या करेंगे इसको अब इसको इकट्ठा करके देख लेते हैं सबसे हाईएस्ट पावर यहां कितना है x का पावर कितना x का पावर 8 तो कितना हो जाएगा इसके पास सबसे उससे ज्यादा पावर तो कोई है नहीं तो सबसे पहले लिखेंगे हम x का पावर 8 प्लस सब प्लस में है उसके बाद सेकंड में जो पावर आपका वो कितना देखिए तो यहां पे x का पावर यहां 7 है और कहीं 7 है क्या और भी कहीं x का पावर 7 है देखिए ध्यान दीजिए यहां x का पावर 7 नहीं तो कहीं है नहीं यार तो 4 * x का देखिए ध्यान दीजिए यहां पे x का पावर 8 * x का पावर 6 तो कितना हो जाएगा x का पावर कितना 4 * x का पावर 7 प्लस x का पावर 6 x का पावर 6 कहां कहां देखिए तो x का पावर 6 है यहां पर है और दूसरा यहां पर है तो ये 4 से जब गुणा होगा तो ध्यान से देखिए यहां पर है ना तो 4 से गुणा होगा तो 4 * x का पावर 6 और यहां पर कितना है 6 * x का पावर 6 इसका मतलब फार्मूला कितना होगा 10 * x का पावर 6 ठीक है प्लस मान आप देखिए इसको मैंने ऐड कर लिया इसको भी ऐड कर लिया मैंने जिसको हम ऐड किए उसको क्या कर देना घेर देना ठीक है ना उसके बाद x का पावर 5 क्या है देखिए x का पावर 5 यहां पर है और x का पावर 5 यहां पर है और भी कहीं x का पावर 5 है क्या नहीं है तो यहां से गुणा करेंगे तो 4 किया 12 * x का पावर 5 तो 12 x का पावर 5 और यहां पर कितना देखिए तो ये 4 तो 12 * 4 कितना होगा 16 x का पावर 5 बस समझ में आ रहा है 5 वाला खत्म हो गया 4 का देखिए यहां देखिए एक 4 वाला यहां टर्म है x का पावर 4 है ना दोनों मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 4 बनेगा और ये x का पावर कितना है 4 तो ध्यान दीजिए और कहीं x का पावर 4 है एक यहां पर x का पावर 4 है और कहीं पर तो नहीं है तो देखिए 6x का 6 गुणा होगा इसके साथ ना तो जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x का पावर 4 और इसके साथ गुणा करेंगे 4 किया 12 12x का पावर 4 और 6x का पावर
प्लस अब x का पावर 3 का देखिए x का पावर 3 कहां पर है एक 4x का पावर 3 यहां पे आएगा और एक कहां पर आएगा यहां पर ना तो 4 और कहीं पर तो है नहीं तो 4x का पावर 3 और यहां से बराबर 6 6 12 x का पावर 12 और 4 कितना चले 16 16 x का पावर 3 x का पावर 3 उसके बाद x का पावर कितना 2 का तो x का पावर 2 तो इधर कहीं नहीं मिलेगा आपको एक 6x स्क्वायर x और यहां 4x स्क्वायर x तीनों जगह 10x स्क्वायर x उसके बाद पावर सिर्फ सिंगल का कितना है हमारे पास 4x और प्लस का 1 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या करेंगे पूरे को गुणा कर दीजिए और सेम पावर वाले को ऐड कर दीजिए तो ये हमारा क्या बनेगा ये जो आपका है वो आपका आंसर बन जाएगा ठीक है आंसर इधर बिल्कुल सही है ठीक है ये हमारा आंसर थोड़ा सा इसमें आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखना है सॉल्व करना है ऐसा नहीं है कि मतलब आगे क्या होगा इसका मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसको अगर सोच समझ के थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग अगर करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ठीक है ना और भी देखते हैं हमें और भी जो आपको